वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो. सो आज है सैटरडे एंड आई थिंक द डेट इज 22 और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया सुबह 6:30 बजे से. दोस्तों सुबह सुबह लेन देन शुरू हो गया. मैं दूध लेने गई थी और आंटी मेरे लिए बड़े वाले गार्लिक लेकर आई थी, बड़े वाले लहसुन लेकर आई थी, क्योंकि मुझसे ना छोटे वाले छिले नहीं जाते. आज भैया मुझे हर समय ये ध्यान रखना है कि मेरा कैमरा इधर ठीक है, वरना मेरी बहन इतना चैंपू चैंपू करती है ना. तो हम चले गए हैं हॉस्पिटल और अब है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम. तो मैं बता देती हूँ आपको आज ब्रेकफास्ट में क्या है. अगेन आंटी ने दी है करी और इडियापा. वो करी कि मेरी शक्ल लाए. और आपको पता है मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था हाउस हेल्प आ जाएगी उसके बाद करेंगे, पर वो आज छुट्टी मार गई. अब आंटी और मैं दोनों परेशान हैं. द हीरोइन ऑफ माई मूवी, द लीड एक्ट्रेस, शी इज ट्राइंग टू मेक हेयर परफेक्ट, बट शी डजंट नो दैट शी इज परफेक्ट. सो दोस्तों हो गया है सारा प्रोग्राम नहाने धोने का और अब बज रहे हैं 12:15. और आज यहाँ पे ईद है तो गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो आई थिंक शिवम के पेशेंट्स भी कम होंगे. सो मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने का लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ. सो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद. बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, ऐसे होता है ना ब्लॉगर्स सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं. दोस्तों हमने ये पहना है और हम आज पुलाव बना रहे हैं. और फिर जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ वैसे मुझे नन्नू की शक्ल याद आ रही है कि वो कहीं पहले अपना फेस दिखा. तो ये रहा मेरा फेस, ठीक है. हद्दा चाहे अच्छा अब मेरा है तो इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया. सो चलो बकवास नहीं करती हूँ और फटाफट से वेजीज काट के पुलाव की तैयारी कर लेती हूँ. सो क्विकली पुलाव बनाएंगे. शाम को थोड़े से प्लान्स हैं मेरे और शिवम के, तो देखते हैं सक्सेसफुल हो पाते हैं नहीं, क्योंकि आज तक हम दोनों का एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया है. बन चुका है दोस्तों, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास ना एक एम्प्टी वार्डरोब पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ. पड़ी क्या हुई है, मतलब यहाँ पे मुझे जो है ना एक एम्प्टी वार्डरोब मिला, एक एक्स्ट्रा वार्डरोब मिला हुआ है. तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. यहाँ पे लाइट काफी कम है. वार्डरोब है ना, ये एक एक्स्ट्रा वार्डरोब है. तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस वाले में ना अपने सारे कपड़े डाल लेती हूँ. ऑल दो इसमें ना हैंगर्स नहीं है, अभी मैंने इसको ऐसे स्टैक किया हुआ है. इसमें जो भी सामान जो आया था ना घर से, वो सारा सामान मैंने ऐसे ही रैंडम बस स्टैक किया हुआ है. इसमें सारा कुछ सामान, पॉलीज हैं, ये सब है, नीचे भी पॉलीज भरे हुए हैं. और ऐसे ये डबल कंपार्टमेंट है, एक ये थोड़ा सा नैरो कंपार्टमेंट है और ये थोड़ा सा ब्रॉड कंपार्टमेंट है. टास्क है कि सामान निकालकर इसमें से इस वाले रूम में रखूंगी, तो मैं वो कर लेती ले आई हूँ इस वाले रूम में. यहाँ पर ये सारा सामान है जो आया हुआ था घर से. सो एक ये बड़ा बैग है, इसका सामान निकाल के सॉर्ट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं. ना अलमिराज में कुछ बिछाना नीचे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये वुडन अलमिरा है तो और मुझे थोड़ा सा ना आई एम फीलिंग समथिंग, तो इसलिए मैं पेपर तो नहीं बिछा रही, पर ये पॉली बैग जो है इसको मैं बिछा रही हूँ, सो देट इसके ऊपर मैं अपने सूट्स रख सकूँ. यहाँ पे मैंने आपको दिखा देती हूँ. सो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं अपने जो मेरे डेली वेयर के जो मेरे 3-piece सूट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दिए. तो इसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अपने वेस्टर्न आउटफिट्स और बाकी जो भी आउटफिट्स थे वो अच्छे से समेट लिए थे. मैं और शिवम जा रहे हैं अभी बाहर ग्रोसरी का सामान लेने. हाँ लेने, सो साथ में आपको भी लेके चलती हूँ. ब्लॉगिंग लाइफ इज डिफिकल्ट, बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों की चीजें लेकर लेनी पड़ती है, स्पेशली योर हस्बैंड्स, व्हेन योर हस्बैंड इज वेरी अनोइंग. मतलब एक ताला भी नहीं डल रहा है इनसे, अभी तक मैंने 50 ताले लगा दिए होते. चलते हैं और नीली गाड़ी में बैठने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा काफ़ी हफ्तों बाद, तो बैठ के देखते हैं कैसा लगता है पति की गाड़ी में बैठना. गेट लगाने की समस्या हो चुकी है, मिलते हैं. ऐसे ज़बरदस्ती ऐसा पति आपने देखा जो ज़बरदस्ती गेट ना लगाए बीवी को तंग करने के लिए और वहाँ जाके हंस रहे हैं. देखिए वहाँ जाके हंस रहे हैं, समस्या है ना मेरे ब्लॉग बनाने से. भाई साहब रुक जाइए, और समय मुझे सामान नहीं पकड़ने देते. आज इन्होंने मेरा सामान भी नहीं पकड़ा, आज तक एक चीज़ नहीं उठाने दी इन्होंने मुझे. दोस्तों
ऐसा लग रहा है कोई लड़की बैठी थी इसमें, और ओ आंटी बैठी थी. ओके फाइन, चलो दोस्तों चलते हैं. शिव यहाँ पे ग्रोसरी सब कुछ है, ड्राइवर सीट पे यहाँ चले. हाँ ग्रोसरी व्रोसरी सब कुछ है. इसके बाद ना मैं कुछ बोलूंगी नहीं क्योंकि शिवम एम्बेरस होते हैं और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे माई पुअर हस्बैंड शुड नॉट गेट एम्बेरस बिकॉज ऑफ मी. तो मैं वीडियो क्लिप्स बनाऊंगी और घर जाकर वॉइस ओवर कर दूंगी. ठीक है, आपको हो सकता है वॉइस ओवर बोरिंग लगे लेकिन मैं वॉइस ओवर कर दूंगी क्योंकि मेरा पति ही मेरा देवता है. बस दोस्तों यही होना बाकी था. अच्छा हुआ शिवम को पता नहीं चला कि चाबी गिर गई. और गाड़ी में देखिए मुझे क्या मिला, ये आदमी छुप छुप के लिमका. आप ये छुप छुप के लिमका पीते हैं? ये आदमी ना दोस्तों छुप छुप के लिमका पीता है. ठीक है चलते हैं अंदर, मिलते हैं आपसे, बाय. चलो दोस्तों यहाँ का ड्रामा हो गया पूरा. शिव मुझे ब्लॉगिंग करने नहीं दी कुछ भी. बाल पीछे करके नहीं आ, खोल दो. नहीं अब हाँ खोल दो. क्यों नहीं फिर तब से बोल तो रहा हूँ तुमको, तुम सुनती नहीं आते बाल को टाइट करके मार. दोस्तों देखिए कितना ज्यादा ट्रैफिक है, टू मच ट्रैफिक. कल तो दिल्ली में भी बारिश का मौसम बना हुआ था. देखिए दोस्तों दुर्लभ नजारा, एक साइड नॉर्मल पेड़ है और एक साइड कोकोनट के पेड़ है. ये मेरी फेवरेट कॉफी शॉप है दोस्तों, लेकिन मैंने आज तक यहाँ पे कॉफी नहीं पी. अक्षय कॉफी शॉप, एक दिन आप और मैं जरूर आएंगे यहाँ पे कॉफी पीने. और मेरा ना दोस्तों एक सपना है, मैं चाहती हूँ जो वो होता है ना ओला वाली बाइक्स, मैं चाहती हूँ मैं एक दिन उस पर बैठ कर घूमूं. पर फिर यहाँ पे फिर डर भी लगता थोड़ा थोड़ा, ओला उबर की जो बाइक्स होती है ना उसमें. यहाँ पे डर इसलिए लगता है क्योंकि बाइकों के ना इतने एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए. पर मेरा बड़ा मन है कि मैं बाइक में बैठ के घूमूं. और हो सकता है यहाँ तो फीमेल्स भी होंगी क्योंकि यहाँ पे सारे काम फीमेल्स करती हैं, तो अगर मुझे कोई ओला उबर में फीमेल मिल गई ना तो मैं उसके साथ बाइक में बैठ के घूमूंगी, बुक कर लूंगी फुल डे उसको. आज ईद है तो यहाँ पे लोग सच के सारे घूम रहे हैं और फ्लावर्स लगाए सबने सर में, जा रहे हैं W. अब अंदर जाकर मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि फिर से शिवम को पसंद नहीं आता. सो वी आर गोइंग. सो यस कर ली थी मैंने यहाँ से शॉपिंग, शिवम बिलिंग कर रहे थे, मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था यहाँ पे. उसके बाद हम चले गए CCD, यहाँ पे एक ही कैफ़े है. तो कैफे देखते जा रहे हैं. 1 iced cappuccino एंड 1 watermelon mojito एंड गार्लिक ब्रेड. व्हाट इज द नंबर ऑफ पीसेस दैट कम्स इन द प्लेट, गार्लिक ब्रेड पीसेस? I mean, will it be a single slice or will it be divided? It will be cut into 4 pieces. Cut into, so I think one will be more than enough for both of us, no? So, 1 garlic bread. Single piece, no? No. 4 pieces only, na? So, the 2 pair on both, sorry. Yeah, 2 pair, na? No, no, what I'm asking. 8 pieces. One garlic bread is how many pieces? One single garlic bread. Yeah, that is it. Only 1 garlic. How much? Extra cheese, no. 5 45. सुन लो, मेरे पति ने मुझे चैलेंज किया कि जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तब तक मैं ब्लॉगर नहीं कहलाऊंगी. तो शर्म करो और मुझे सब्सक्राइब करवाओ और मेरे 500 ब्लॉगर करवाओ. कैसा है? मेरा बहुत गंदा है दोस्तों, इतना घटिया कि मैं बता नहीं सकती. मेरे मुँह में चीनी की ग्रैन्यूल्स आ गए. प्लेटें जिसमें गार्लिक ब्रेड थे और हम खा गए. सो यहाँ पे मैं शिवम को बोल रही थी कि मैं चलती हूँ और आप मेरा वीडियो बना दीजिए, पर एज़ यूजुअल वो गलत कैमरा पकड़ रहे थे और मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया. अजीब सा वीडियो बना तो मैंने यही डाल दिया है. आंटी के लिए भी मोहितो ले लिया. आई होप आंटी को अच्छा लगे. वैसे आंटी ज़्यादा ठंडा पीती हैं. बट स्टिल आप चुप रहे, कहीं से भी ले जाइए. दोस्तों पहली बार मदुरई में हम फंस गए ट्रैफिक में और देखिए शिवम की गाड़ी का शीशा नमकीन पानी से सफ़ेद हुआ. हर बार ये आपको ऐसे ही दिखेगा. सो जज
करने वाली बात नहीं है, तो हमने ले लिया यू टर्न. और अब कहाँ जा रहे हैं? फ्लाईओवर में जाएंगे? अरे फ्लाईओवर से नहीं जाएंगे. अभी कहाँ जा रहे थे? पहले फ्लाईओवर से जा रहे थे. अच्छा, अब हम दोस्तों दूसरे रास्ते से जा रहे हैं. पीले पीले ऑटो. ओहो हो, एक दबंग गया दोस्तों. वाह वाह, जरा देखिए नजाकतें. ओहो हो हो, बस इसलिए हम पीछे रह गए क्योंकि शिवम की ड्राइविंग बहुत स्लो है दोस्तों. तो दोस्तों अपडेट ये कि हम गए रास्ता भटक और अब हमने मैप लगाया है तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे. देखते हैं कहाँ लेकर जाती हैं ये राहें हमें. मन गाना गाने का कलर कर रहा है, हम जो चलने लगे और शिवम हंस रहे हैं कि गल गल कर रही हूँ मैं. लेकिन हाँ, तो बेसिकली मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, पर फिर गाना गाऊंगी तो कल की तरह कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं गाना नहीं गा रही हूँ और अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रही हूँ. हाँ और शिवम कह रहे कि अब मैं अपने गाने खुद बनाऊंगी और नई म्यूजिक डायरेक्टर बनाऊंगी. तो ये दो ऑटो वाले ऐसे साथ में चल रहे हैं जैसे कि युगल नव युगल जोड़ा हो, मतलब ये साथ ही में चल रहे हैं. आप देखिए इनको, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों, पर ये साथ में चल रहे हैं. अच्छा, शिवम ने बताया कि उसने पैर भी लगाया हुआ है, तो जैसे गठबंधन होता है उनका पैर बंधन जैसा गठबंधन होता है. ओ दोस्तों ये तो देखना बनता है. ये देखिए अमन, मैं आपको जिस भी दिन दिखाऊंगी ना, यहाँ इतनी भीड़ होती है ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया. मतलब यूजुअली जब हम लोग के यहाँ पे ऐसी भीड़ जमती है तो या तो किसी का झगड़ा हो रहा होता है या कोई पिट रहा होता है, दो ही चीजें होती है. पुलिस ने चालान, चालान में भी इतनी भीड़ नहीं होती है. नॉर्थ में तो पक्का या तो किसी को मार पड़ रही होती, कोई पिटे लड़े मरे होते हैं या एक्सीडेंट हुआ होता है या कुछ फ्री का मिल रहा है, और या फिर कुछ फ्री का मिल रहा है. यस, इंटेलिजेंट. देखा मेरा कॉन्टेंट तो यही है असली. एनी वे, सबसे बड़े क्या है? सबसे बड़ा डी. दोस्तों ये देखो, ये आध्यात्मिक सेंटर है. यहाँ पे मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ अध्यात्म करने. अध्यात्म होता है ना, मैं अध्यात्म में पंजाबी बन चुकी हूँ. अध्यात्म वो सेलो है जिन्होंने मेरे को अच्छे से वो कर दिया. और ये वो सीढ़ियाँ दोस्तों जहाँ मैं गिरी थी, और ये वो दुकान जहाँ मैं लुट कर आई थी, होम बेस जिसने मेरे को विदाउट बेस कर दिया. और ये आ रहा है अंकल का फेवरेट वसंतम. और जाते ही हमें मिलेंगी आंटी. इट्स वेरी हॉट एंड शिवम हैज गॉट समथिंग फॉर यू एंड आई डोंट नो हाउ इज इट, बट ही वाज वेरी एडमेंट दैट आई वांट टू टेक दिस फॉर आंटी. ही हैड सम वाटरमेलन मोहितो देयर, सो ही हैज गॉट इट फॉर यू आल्सो. आई सेड आंटी इट विल नॉट ड्रिंक सो मच कोल्ड. आई विल टेक हाफ. व्हाट? विल शेयर इट. नो आंटी, ही वी ऑलरेडी हैड. आई हैड कॉफी कोल्ड ब्रू एंड ही गॉट दिस स्पेशली फॉर यू, सो आई नो आई वांट टू टेक इट फॉर आंटी, शी विल लाइक इट. आगे हम बाहर से, काफी देर हो गई है, मैंने फ्रूट्स काटे, शिवम को फ्रूट्स दिए. और अब घर की ना हालत बहुत ज़्यादा मेस्ड है. अगर आपको दिख रहा हो, देखिए मैं कितना सारा सामान लेकर आई हूँ. इधर सामान, ये सामान और फिर ये सब सामान. तो ये सारा मुझे एडजस्ट करना है. एडजस्ट करती हूँ, ढेर सारे बर्तन हैं एक्चुअली, तो वो वॉश करना है, वो करके फिर मिलती हूँ. मैंने ना ये जो ग्रोसरी का सामान है ये सारा यहाँ रख दिया है अभी के लिए, और मैंने इस बार कुछ भी एक्स्ट्रा सामान खरीदा नहीं है. ठीक है, अब आप ये कंडीशन देख रहे हो, ये ना बहुत मैसी है क्योंकि मैंने इसमें से कुछ सामान निकाल कर जो हाउस हेल्प थी उसको दे दिया, और कुछ इसमें है. तो कल मैं क्या करने वाली हूँ, कल संडे है, शिवम को सुबह जाना नहीं है, और सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो उठने के बाद मैं ना ये सारा कुछ क्लीन करने वाली हूँ. आप ऐसे देख लो, खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. मैंने आकर फटाफट से सारे बर्तन धो दिए थे, और ये ग्रोसरी का सामान रहा. उधर कर्ट सेट करने रख दिया, बाकी कल मेड आएगी तो वो देखेगी. और बहुत ज़्यादा काम हो गया है, पाइल अप. कोई बात नहीं, चलो जिंदगी है तो काम तो चलता ही रहेगा. अब थोड़ी देर फैन में बैठती हूँ, उसके बाद फिर खाना पीना होगा, फिर मिलती हूँ आपसे. ओके, उसके बाद थोड़ी देर कपिल का शो देखा दोस्तों, खाया पिया और रिलैक्स किया. पूरे वीक का जो काम होता है ना मेरा, मुझे सैटरडे को करना होता है क्योंकि फिर हफ्ते भर शिवम इज़ वेरी बिजी. और आज अच्छी बात यह कि कल शिवम का ऑफ है, तो शिवम विल वेक अप लेट. तो मैंने आपको बताया मैं सारा कुछ काम अब मैं कंप्लीट कर दूंगी उनके उठने से पहले, एंड देन आई विल मेक सम नाइस ब्रेकफास्ट फॉर बोथ ऑफ अस. फिर देखते हैं, कल आंटी को भी सुबह 5:30 कहीं हाउस वार्मिंग में जाना है. या गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना ताकि मेरे वीडियो को विजिबिलिटी थोड़ी सी और रीच मिले.
है ना, अचानक कल से मेरे कॉपीराइट्स आए हैं तो मेरे वीडियो के व्यूज और वो सब कम कम होता दिख रहा है मुझे. एक्चुअली ना यूट्यूब के बारे में ज्यादा पता नहीं है, एल्गोरिथम्स के बारे में कि कैसे क्या चलता है, पर एनालिटिक्स में कल से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं. सो आई हैव टू चेक ऑन दैट, क्योंकि कल मुझे तीन तीन कॉपीराइट आ गए थे एंड फॉर नो रीजन, मुझे पता ही नहीं कि क्यों आ गए थे. सो विल चेक ऑन इट ऑल्सो. ऑल राइट गाइज, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज पल्लवी जोशी. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई लव यू ऑल. बाई.